हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूप पेंटिंग। इसे आप सूप, कूलो, बैम्बू ट्रे, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। सूप पेंटिंग करने के लिए हम पहले एक मिक्सचर बनाएंगे टेलकम पाउडर, फेविकोल और एक्रेलिक कलर का, क्योंकि सूप का जो ये सरफेस होता है, बेस होता है, ये स्मूथ नहीं होता है, तो हमें पेंटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम पहले ये मिक्सचर से एक कोट करेंगे। कोट करने के लिए मैं स्पंज का यूज़ कर रही हूँ। इससे कोटिंग बहुत जल्दी हो जाती है और स्मूथ भी होती है। जब ये कोट इस सूप के ऊपर इस मिक्सचर की दो कोटिंग करने के बाद हम इसे ड्राई कर होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद हम इस पर पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैं ये सूप अपने बालकनी के लिए पेंट कर रही हूँ, मुझे इसे बालकनी में डिस्प्ले करना है, तो मैं इस पर एक वाइल्ड थीम बनाऊँगी। इसे मैं पहले नॉर्मल पेंसिल से ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इस पर एक्रेलिक कलर से कलर कर लूँगी। Thank you.
ये हमारी पेंटिंग अब बनके रेडी है, चलिए देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, और अगर आप अभी बनाते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।